गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मंदाकिनी दुबे, लेक्चरर ऑफ इन सिविल डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल ऑन लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, बिफोर दिस, इसके पहले हमने लेक्चर में क्या देखा था? लीनियर स्ट्रेन देखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा, लैटरल स्ट्रेन देखा. अब उसको हम कैसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे. ठीक है, सो नाउ वी विल रीड आवर न्यूमेरिकल. अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 mm बाय 40 mm एंड लेंथ 500 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 kN. द चेंज इन लेंथ इज 0.20 mm. डिटरमाइन द चेंज इन डेप्थ, चेंज इन विड्थ एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार. एंड म्यू की वैल्यू हमको दी गई है. अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि एक बार है. ठीक है, एक बार है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया गया है. अब बार है यानी कैसा बार है, इसका 3D व्यू हम ड्रॉ कर लेंगे. ये बार है, इसका 3D व्यू हम ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज द बार. ठीक है, इसमें क्या बोला है हमको, इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, मतलब ब्रेथ इनटू डेप्थ दिया है. ठीक है, अब इसका ब्रेथ समझो, हमने ये बोल दिया कितना है, 20 mm है, और इसका डेप्थ कितना बोला है, 40 mm है. ठीक है, और हमको क्या बोला है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी दी गई है हमको, 500 mm की दी गई है. ठीक है, ये हो गया. टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 kN एक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा फोर्स है हमारे बार पर एक्ट कर रहा है, ये कितना है, 50 kN का एक्ट कर रहा है. चेंज इन लेंथ, अब ऑब्वियस है कि जब हमारे बॉडी पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वो बॉडी को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहा है. टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है यानी बॉडी खींच रही है. बॉडी खींच रही है तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है. तो बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आएगा, हमको गिवन में क्या दिया है यहाँ पर, डेल एल की वैल्यू दी गई है, मतलब द चेंज इन लेंथ. यहाँ बोला है ना कि जब बार को खींचा गया तो उसमें डिफॉर्मेशन कितना हुआ, 0.20 mm का इसमें डिफॉर्मेशन हुआ. डिटरमाइन द चेंज इन डेप्थ ना व्हाट वी, और हमको दिया क्या है, म्यू की वैल्यू. व्हाट इज म्यू, म्यू इज नथिंग बट द पॉइजन्स रेशो. पॉइजन्स रेशो की वैल्यू हमको दी गई है, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज गिवन एज 2×10⁵ N/mm². ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, व्हाट वी हैव टू फाइंड. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको निकालना क्या क्या है. डिटरमाइन द चेंज इन डेप्थ, मतलब ये निकालना है हमको. चेंज इन विद निकालना है, ये निकालना है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम. ये तीन चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है. ठीक है, अब हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. हमको इतनी चीज़ें दी गई है. सबसे पहले अगर हमने डी की बात की है, अगर हमको चेंज इन डेप्थ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे. हमको म्यू दिया गया है, हम लिखेंगे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशो. पॉइजन्स रेशो मतलब क्या है, लैटरल स्ट्रेन. पॉइजन्स रेशो क्या बोला था हमने, पॉइजन्स रेशो इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू व्हाट, लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. बोला था कि नहीं बोला था, बोला था हमने. लैटरल स्ट्रेन क्या हो गई, लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, लैटरल क्या है, लैटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डेप्थ अपॉन द ओरिजिनल डेप्थ. बोला था कि नहीं, मतलब चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ हो गई हमारी लैटरल स्ट्रेन. और लॉन्जिट्यूडिनल क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये आ गया, मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पॉइजन्स रेशो म्यू विल बी इक्वल्स टू चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ. एक बड़ा एसर्ट करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब यहाँ पे हमको वैल्यूज काय काय की दी गई है, हमको म्यू की दी गई है, कितना है, 0.30 दिया है. चेंज इन डेप्थ कितना दिया है हमको, निकालना है चेंज इन डेप्थ, उसको वैसा का वैसा रहने देंगे. ओरिजिनल डेप्थ कितना दिया है हमको, ये विड्थ थी, ये डेप्थ है, 40 ले लिया. एक बड़ा ऐसा करेंगे, चेंज इन लेंथ कितना दिया है, 0.30 दिया है, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, 500. कैल्सी में पुट करेंगे, चेंज इन डेप्थ की वैल्यू क्या आएंगी, द वैल्यू ऑफ चेंज इन डेप्थ विल बी इक्वल्स टू 4.8. 4.8 × 10⁻³. 4.8
इंटू 10^-3 mm, ये वैल्यू काहे की आ गई, डेप्थ की आ गई। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो डेप्थ है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि हमारी डेप्थ कम हुई है। यानी हमने जो पढ़ा था हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पार्ट, अगर एक चीज जैसे लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, अगर लेंथ बड़ी है तो बाकी की दो चीजें घटेगी, अगर ब्रेथ बड़ी है तो बाकी की तो दो चीजें घटेंगी। और यहाँ पर हमने क्या देखा, द चेंज इन लेंथ इज 0.20। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि लेंथ बड़ी है। अब लेंथ बड़ी है तो डेप्थ भी घटी, अब इसका ये मतलब है कि हमारा जो ब्रेथ रहेगी वो भी कम होगी। अब सेम यही फॉर्मूला सेम हम काई के लिए लगाएंगे, ब्रेथ के लिए लगाएंगे। ब्रेथ को क्या बोल सकते हैं, डेल बी बाय ओरिजिनल बाय कैपिटल बी डिवाइडेड बाय डेल एल बाय टोटल एल, ये है 0.30। अब इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएंगी हम देखेंगे। ठीक है, अब चेंज इन ब्रेथ हमको निकालना है। ओरिजिनल ब्रेथ कितना दिया है, 20 डिवाइडेड बाय डेल एल कितना है, 0.20, 0.20, सॉरी यहाँ पर 0.20 था, ठीक है, 0.20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 500। डायरेक्टली कैल्सियम वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी हमको, कुछ नहीं करना है हमको, चेंज इन ब्रेथ निकालना है। तो क्या करेंगे, चेंज इन ब्रेथ जैसा का वैसा रहेगा ये जो है। अब समझो अगर इसको हमने चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 500 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर 0.20 आ जाएगा और ये 0.30। मतलब कहीं ना कहीं डेल बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.30 इंटू 20 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 500। होगा कि नहीं, वैल्यू ऐसी वैल्यू रहेंगी। तो डेल बी की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास में, डेल बी की वैल्यू रहेंगी 2.4 × 10^-3, 2.4 × 10^-3 mm। mm क्यों लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेंथ है ये, ब्रेथ भी क्या है कहीं ना कहीं लेंथ ही है ना। तो इससे क्या समझ में आ गया कि हमारी लेंथ बढ़ी तो हमारी डेप्थ भी कम हुई और हमारी ब्रेथ भी जो थी वो कम हुई। दो चीजें हमने निकाल लिया, हमने डेप्थ भी निकाला, ब्रेथ भी निकाला। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है चेंज इन वॉल्यूम का, हमने पढ़ा पिछले बार, क्या पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय कैपिटल ई 1 - 2 μ। पढ़ा है कि नहीं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बट अब इतना पार्ट अगर हम देखेंगे तो ना हमारे पास सिग्मा है, ई दिया है हमें, बेशक हमें ई दिया है। अब हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेन, इसको हम स्ट्रेन बोल सकते हैं क्या, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रेन का तो फॉर्मूला ही था। हम क्या बोलते थे, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने पहले ही निकाला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नीचे आई तो स्ट्रेन का ही फॉर्मूला है कि स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। और इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डेल बी बाय वी। बोला था पहले हमने लिखा था, डिफरेंशिएट किया था वॉल्यूम को, तो डेल बी बाय वी आया था, फिर डेल बी बाय वी को हमने बोल दिया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये ऐसा आ गई वैल्यू, अब ये क्या होगी 1 - 2 μ। अब डेल वी हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड डेल वी। तो डेल वी जैसा का वैसा रहेगा, वी कितना दिया है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दिया है हमको 500, ब्रेथ दी गई है 20, डेप्थ दी गई है 40 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। ये ई क्या है, व्हाट इज ई, दिस इज स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, लैटरल लेंगे, लैटरल क्यों लेंगे मतलब लॉन्जिट्यूडनल लेंगे, क्यों, क्योंकि वही पॉजिटिव आया है। स्ट्रेन का फॉर्मूला ही है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 1 - 2 μ। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं, अब हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, डेल वी निकालना है। तो डेल वी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या रहेगा, डेल एल अपॉन एल कितना आया है, डेल एल की वैल्यू कितनी आई है 0.20। आइए 0.20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ था
500, 1 माइनस 2, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.30, ये हो गया इन टू। अब ये वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, लेंथ इन 500 इंटू 20 इंटू 40, हो रहा है ऐसा, आ जाएंगे ऐसी वैल्यू, ये ऐसी वैल्यू आएंगी। अब इसको क्या करेंगे, कैल्सियम में पुट करेंगे, डायरेक्टली हमको वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 64 mm क्यूब। क्यूब क्यों लिया है, लेंथ का m, ब्रेथ का m, हाइट का, तो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 64 mm क्यूब। समझ गया, ये क्या न्यूमेरिकल था, जब हमको दिया गया था कि चेंज इन लेंथ कितना है, इसमें हमको क्या निकालना पड़ा, हमने चेंज इन डेप्थ निकाली, चेंज इन वॉल्यूम निकाला, एंड वी कैलकुलेटेड द चेंज इन विड्थ। ओके, अब इसके आगे का जो न्यूमेरिकल है मैम क्या देखेंगे, जब हमें चेंज इन लेंथ नहीं दी गई है तब उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ मेटल बार 20 mm वाइड, 15 mm थिक एंड 2.8 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 36 kN। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, एक मेटल का बार दिया है, यहाँ पे एक बार बना देंगे हम, मेटल का बार है ये, क्या दिया है 20 mm वाइड, वाइड कितना दिया मतलब इसकी ब्रेथ दिया है 20 mm, इसकी थिकनेस दी है हमको कितनी 15 mm, एंड लेंथ इज गिवन एज 2.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब क्या बोला है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, मतलब कहीं ना कहीं एक पुल इस पर अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है 36 kN। ठीक है, इतना अप्लाई हो रहा है। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, निकालना क्या क्या है हमें, एक बार डेटा हम लिख लेंगे, वी हैव टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल भी निकालना है, चेंज इन विथ भी निकालना है, चेंज इन थिकनेस मतलब ये भी निकालना है, एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। बाकी सारी चीज़ें कैसे निकालना है वो तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा कि डेप्थ कैसे निकाला, बी कैसे निकाला, कैसे निकाला था हमने पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला यूज किया, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन में क्या था, डेल डी बाय डी था, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या था, डेल एल बाय एल था। अब समझो जब दो अननोन रहेंगे तब हम कैलकुलेट कर सकते क्या नहीं, तो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिफॉर्मेशन वॉज व्हाट, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार वॉज इक्वल्स टू पी एल बाय ए ई। जो पढ़ रहा होगा उन्हें याद होगा कि हमने पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार, जब एक बॉडी पे एक्सियल पुल लगा रहे हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, बॉडी कितना डिफॉर्म हुई, पी एल बाय ए ई हुई। वैल्यूज पुट करेंगे, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 36 × 10³, इंटू लेंथ कितना दिया है 2.8 × 10³, करेंगे कि नहीं, क्योंकि मीटर में था एमएम में कर दिया। एरिया क्या दिया हमको, ब्रेथ इंटू डेप्थ है, 20 × 15 कर देंगे, ये हो गया इंटू, अब क्या बोलेंगे, ई दिया है, ई कितना है 1.80 × 10⁵, देखेंगे वैल्यू कितनी आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। अब हमारा आंसर कितना है 1.8666, मतलब रेकरिंग है तो क्या बोल सकते हैं, 1.87 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.87 mm, पॉजिटिव आया है, इसका ये इंडिकेशन है कि लोड अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो हमारे बॉडी में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। अब क्या निकालेंगे, अब हमको डेप्थ निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं डेप्थ, कैसे कैलकुलेट किया था डेप्थ हमने, म्यू का था लैटरल स्ट्रेन अपॉन द लॉन्जिट्यूडनल, बोला था लैटरल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल बोला था। अब लैटरल का फॉर्मूला क्या है, लैटरल किसको बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डेप्थ टू द ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। अब म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.32 दिया गया है,
ठीक है। चेंज इन डेप्थ क्या है? व्हाट इज चेंज इन डेप्थ? वी हैव टू कैलकुलेट इनटू लेंथ, ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा, डेप्थ इनटू डेल एल, ऐसा हो जाएगा। तो देयर फॉर डेल डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0.32 इंटू, ये डी यहाँ चले जाएगा, इंटू डेल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। व्हाट विल बी द वैल्यू? चेंज इन डेप्थ कितना आएगा, 0.32 इंटू, ओरिजिनल डेप्थ कितनी दी गई हमको, 15, इंटू चेंज इन लेंथ आई है 1.87 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना है, 2.8 इंटू 10 to the power 3। आंसर कितना आएगा? अब आंसर कितना आया हमारा, 3.20 इंटू 10 to the power -3, मतलब आएगा 3.20 इंटू 10 to the power -3 mm। ये आ गया डेप्थ का। अब हमको ब्रेथ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, सिमिलरली ऐसा ही कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा, अब म्यू वर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या वैल्यू आएंगी इसकी, चेंज इन ब्रेथ हमको निकालना है, ओरिजिनल ब्रेथ कितनी दी गई है हमें, 20 दी गई है कि नहीं, ओरिजिनल ब्रेथ इज गिवन आउट टू बी 20। चेंज इन लेंथ कितना दिया है, 0.1.87 आया अपॉन, ये बड़ा रखना हाँ, फिर इसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना आया हमारे पास, 2.8 इंटू 10 to the power 3। निकालना है, कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, द वैल्यू ऑफ बी डेल बी मतलब चेंज इन ब्रेथ कितना हुआ, 4.26 इंटू 10 to the power -3 mm। माइनस थ्री विल इंडिकेट दैट ब्रेथ भी कम हुई है, मतलब हमारे बार में सिर्फ लेंथ बड़ा है, ब्रेथ कम हुई और उसके साथ डेप्थ भी उसकी कम हुई, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई इंटू 1 - 2 μ। इसको क्या बोलते हैं हम, डेल वी बाय वी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि डेल वी बाय वी वॉज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन बोल सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन इंटू 1 - 2 μ। एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यह आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 - 2 μ। वैल्यूज पुट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम हमको निकालना है, चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ आया था हमारा 1.87 अपॉन टोटल लेंथ है 2.8 इंटू 10 to the power 3 इंटू 1 - 2 μ है 0.32 इंटू वी। अब कैपिटल वी कितना आएगा, उसको कैलकुलेट कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कितना हो जाएगा वो, 20 × 15 × 2.8 × 10 to the power 3 कर देंगे। वैल्यू बताओ सब कितना आ रहा है, मतलब देयरफॉर वी कैन से दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम विल बी कम आउट टू बी 201.63 mm³। और पॉजिटिव साइन विल इंडिकेट कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके, थैंक यू। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द अदर टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन अदर टॉपिक, ओके ओके, सो टेक केयर।